हेलो एवरीवन, हम लोग सभी राजस्थान की स्थिति और विस्तार देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने कई चीज़ें आपको बताई हैं और मैं वही बता रही हूँ जो लास्ट ईयर राजस्थान जीके में क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन्हीं को आपको बता रही हूँ। तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं और आगे से देखिए हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमाएं क्या होती है पहले ये समझिए। एक राज्य यानी हमारा राजस्थान जो दूसरे राज्यों के साथ सीमाएं बना रहा है उनको हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। हम यहाँ केवल राजस्थान की ही बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के बारे में ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको। देखिए अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ जो सीमाएँ बनाता है, तो हमारे राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर क्या होगी? 4850 किलोमीटर राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है। आगे देखिए, राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, आगे देखिए तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात। कौन कौन सी है रिपीट कीजिए? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। देखिए पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है 89 किलोमीटर, ठीक है, और मध्य प्रदेश के साथ अधिकतम सीमा बनती है 1600 किलोमीटर की। अब देखिए हम पंजाब की ही देख रहे हैं, पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा है 89 किलोमीटर की, सबसे छोटी सीमा। पंजाब के 2 ज़िले, कौन कौन से 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान के साथ? फाजिलका और मुक्तसर। फाजिलका और मुक्तसर 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान की सीमाओं के साथ, राजस्थान की सीमा के साथ। और राजस्थान के 2 ज़िले कौन से हैं? ऊपर ही ऊपर के गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों तो हैं पंजाब के साथ सबसे ऊपर के, ठीक है। अब देखिए दूसरा हरियाणा, हरियाणा की सीमा कितनी है? 1262 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान के साथ, राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं। देखिए सिरसा फतेहाबाद हिसार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। दोबारा बोलो, सिरसा फतेहाबाद हिसार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। और राजस्थान के भी 7 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं? देखिए ट्रिक है ये, हरियाणा के अजब से हैं अलवर जयपुर भरतपुर, हाँ से हनुमानगढ़, और शे से क्या है? शे से है शेखावाटी। और शेखावाटी का जब भी एरिया आए ना, शेखावाटी का नाम आए तो 3 ज़िले आप याद रखिए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों शेखावाटी में आते हैं। तो हरियाणा के अजब हंसे, अजब से है अलवर, जयपुर, भरतपुर, हाँ से हनुमानगढ़, और शे से है शेखावाटी, मतलब चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो हरियाणा के 7 ज़िले और राजस्थान के भी 7 ज़िले हरियाणा की सीमा से हमारे जुड़े हुए हैं। तीसरा राज्य देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले राजस्थान के 2 ज़िलों से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 877, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं आगरा और मथुरा जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर ये हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की सीमा देखिए 1600 किलोमीटर, ये अधिकतम सीमा है जो राजस्थान किसी राज्य के साथ बनाता है। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले जुड़े हुए हैं और राजस्थान के भी 10 ज़िले जुड़े हुए हैं। देखिए मध्य प्रदेश के एमपी के 10 ज़िले कौन कौन से? झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, अगरमालवा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। दोबारा देखो, झाबुआ रतलाम मंदसौर, नीमच राजगढ़ अगरमालवा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, इनको आपको ऐसे ही याद करना है। और राजस्थान के 10 ज़िले जो कि एमपी की सीमा से जुड़े हुए हैं वो देखिए, आप इसकी ट्रिक देखिए, भील बाबा, चिप्स को धोकर झाड़ा, ये मानो एमपी में कोई भील बाबा रहता है, ठीक है, उनकी चिप्स नीचे गिर गई तो उन्होंने चिप्स के पैकेट को धोकर झाड़ दिया, तो भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा। देखिए भील से भीलवाड़ा, बा से बांसवाड़ा और बा से बारा, बाबा में 2 बा है ना, तो बांसवाड़ा और बारा। चिप्स तो ची से चित्तौड़, पा से प्रतापगढ़ और सा से सवाई माधोपुर, ठीक है। को से है कोटा और धोकर धौलपुर, करौली, रा से झाला, सॉरी
झाड़ा से झालावाड़। ठीक है, दोबारा देखिए, एमपी की सीमा से जुड़े हुए राजस्थान के 10 जिले। क्या ट्रिक है? भीलवावा, चिप्स को ढोकर झाड़ा, भील से भीलवाड़ा, बासे बांसवाड़ा, बासे बारा, चिप्स, चिप्स से क्या, ची से चित्तौड़गढ़, पा से प्रतापगढ़, सा से सवाई माधोपुर, धो से धौलपुर, का से करौली और झाड़ा से झालावाड़। बहुत ईजीली याद हो जाएंगे, एक दो बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बात की देखिए, गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात के 6 जिले, गुजरात की सीमा कितनी बनाते हैं पहले ये देखिए आप, तो 10-22 किलोमीटर। ठीक है, 1022 10-22। तो गुजरात के 6 जिले देखिए, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, ये 6 जिले हैं गुजरात के जो कि राजस्थान की सीमा से जुड़ते हैं। कौन कौन से? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर और दाहोद। और राजस्थान के 6 जिले जो कि गुजरात की सीमा से जुड़ते हैं, उसकी ट्रिक क्या है? बाजासी उड़वा। कौन कौन से? देखिए, बा से बांसवाड़ा, जा से जालौर, जासी आ रहा है ना, जा से जालौर, सी से सिरोही और उड़वा मतलब उदयपुर, डूंगरपुर और बाड़मेर। बाजासी उड़वा, बा से बांसवाड़ा, जा से जालौर, सी से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर। ओके, आगे देखिए, ये मैं वही फैक्ट्स बता रही हूँ जो सारे हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। देखिए, झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो कि मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। मतलब हमारे राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले के साथ बनती है? तो झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और झालावाड़ किसके साथ जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। कितनी बना रहा है? 520 किलोमीटर की। ओके, आगे देखिए, बाड़मेर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ सीमा बनाता है और न्यूनतम बनाता है, 14 किलोमीटर की बनाता है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, मतलब देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ, तो 2 जिले हैं ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमाएं बनाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। देखिए, राजस्थान के 8 ऐसे जिले जो किसी भी राज्य के साथ अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते। तो जो राजस्थान राज्य के जो अंदर के एरिया है ना, सीमाओं वाला नहीं, उसके अंदर का एरिया, आंतरिक क्षेत्र जो भी हो जाते हैं, वो किसी के साथ सीमाएं नहीं बनाएंगे। मिडिल पार्ट जो है, मध्य का, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, 8 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अथवा देश के साथ सीमाएं नहीं बनाते। कौन कौन से? पाली जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। ठीक है, और जो राजस्थान के पाली ज़िले की सीमा है वो कितने? 8 ज़िलों से लगती है। राजस्थान का एकमात्र पाली ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 8 ज़िलों से लगती है। कौन कौन से? अजमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, नागौर और उदयपुर। किन किन ज़िलों से सीमाएं लगती हैं? अजमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, नागौर, उदयपुर। याद कर लीजिए आप इन सबको अच्छे से। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर ज़िला है। कितना क्षेत्रफल है? 38,401 किलोमीटर क्षेत्रफल है जैसलमेर का। और राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? धौलपुर है, 30-33 किलोमीटर। सबसे बड़ा जैसलमेर है, 38,401 किलोमीटर, और धौलपुर सबसे छोटा है, 30-33 किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला, तो वैसे ही सोच के लगा सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में है और सबसे छोटा ज़िला जनसंख्या के हिसाब से जैसलमेर है, क्योंकि यहाँ पर तो धोरे ही धोरे हैं, रेत है, मरुस्थल है, तो यहाँ जनसंख्या कम रहती है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। रेगिस्तान बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हमारे यहाँ फैला हुआ है राजस्थान में, लेकिन जनसंख्या जैसलमेर में बहुत कम है। सबसे छोटा ज़िला जनसंख्या की दृष्टि से है जैसलमेर। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने के समय राजस्थान में कुल कितने? 26 ज़िले थे। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो राजस्थान में कुल 26 ज़िले थे।
और ध्यान से देखिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। आगे देखते हैं हम। देखिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस दिन तक कितने थे? 26 जिले थे। उसके बाद 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर बना है। 15 अप्रैल 1982 को बना है धौलपुर, 27वां जिला बना है धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। फिर देखिए 82 के बाद 9 साल बाद 3 जिले एक साथ बने हैं, 1991 में बने हैं। 27वां तो बना है 1982 में। देखिए एकीकरण पूरा हुआ 1956 में, 56 के बाद सीधे 1982 में 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बना। फिर 28, 29 और 30 नंबर के जो ज़िले हैं ना हमारे, वो बने हैं 10 अप्रैल 1991 को। कब बने हैं? 10 अप्रैल 1991 को, 9 साल बाद। कौन कौन से? 12 दौसा राजसमंद, ये 28वां 12 हैं, 29वां दौसा है और 30वां राजसमंद है, ठीक है। फिर हमारा 31वां कब बना? देखिए 91 के बाद 1994 में हमारा बना है 12 जुलाई 1994 को, 31वां जिला है हनुमानगढ़। और उसके 3 साल बाद 97 में बना है करौली, 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला है करौली। और जो हमारा सबसे नया जिला कौन सा है? 2008 में बना है, 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना है प्रतापगढ़। तो ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए, ये एग्जाम में कहीं से भी फैक्ट उठा के पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम, ये जो सबसे नया जिला है प्रतापगढ़, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, क्योंकि नया जिला है तो इसलिए पूछ लिए जाते हैं। तो प्रतापगढ़ में कुल कितनी तहसीलें हैं? प्रतापगढ़ में है कुल 5 तहसीलें। देखिए धरियाबाद, अरनौद, छोटी सादरी, एक प्रतापगढ़ खुद है, और पीपलखूंट। देखिए धरियाबाद कहाँ से लिया है इन्होंने? उदयपुर से लिया था। अरनौद को चित्तौड़ से लिया है, और छोटी सादरी चित्तौड़ में है, प्रतापगढ़ चित्तौड़ में है, और पीपलखूंट बांसवाड़ा से है। तो देखिए प्रतापगढ़ में 5 तहसीलें हैं, धरियाबाद तो लिए उदयपुर से लिया है, पहली तहसील धरियाबाद उदयपुर से ली गई है। चित्तौड़ से इन्होंने 3 तहसीलें लिए, 3 क्या लिया है? अरनौद, छोटी सादरी और प्रतापगढ़ खुद। वो कहाँ से है? अरनौद, छोटी सादरी, प्रतापगढ़, ये तीनों हैं चित्तौड़ से। और बांसवाड़ा इसका एरिया कौन सा है? पीपलखूंट। तो देखिए धरियाबाद, अरनौद, छोटी सादरी, प्रतापगढ़ और पीपलखूंट, ये 5 तहसीलें हैं प्रतापगढ़ की। आगे देखिए प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल और मालव देश। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल और मालव देश था। यह राजकुमार सूरजमल के समय क्या नाम मिला? प्रतापगढ़ नाम मिला। राजकुमार सूरजमल के समय इनको नाम मिला प्रतापगढ़। और वैसे प्राचीन नाम क्या था? कांठल और मालव देश। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अमृतलाल पाठक के द्वारा की गई है 1945 में। किसने की है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? अमृतलाल पाठक ने की है, 1945 में की है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है सबसे ऊंचा बांध, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है इसकी ऊंचाई। और प्रतापगढ़ का मंदिर, जिसको देखिए बाण माता मंदिर भी है कहा जाता है, और कालका माता मंदिर, ये दोनों मंदिर प्रतापगढ़ में है, जो कि फेमस मंदिर है, बाण गंगा मंदिर और कालका माता मंदिर प्रतापगढ़ में। अच्छा देखिए प्रतापगढ़ में स्थित काका जी की दरगाह है, उसको क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। अब आपसे पूछा जा सकता है कांठल का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह को। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है। और ये देखिए बहुत प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। और इसको क्या क्या कहा जाता है? एकमात्र सागवान वनों का अभयारण्य है ये, एकमात्र सागवान वनों का अभयारण्य कौन सा है? सीता माता अभयारण्य। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है, चीतल की मातृभूमि कहा जाता है, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे देखिए ये तो हमने कर लिया है, चलो हम आज यहीं तक का रखते हैं, उसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।